नमस्कार, यह वीडियो इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के परीक्षार्थियों के लिए है। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में शब्द युग्मों में सूक्ष्म अंतर से संबंधित एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस तरह होता है कि दिए गए शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। एक शब्द युग्म दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे वसन और व्यसन है, उसके नीचे चार अर्थ होंगे। आपको सही अर्थ चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसके लिए कुल दो अंक निर्धारित हैं। हम यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द युग्म लेकर आए हैं जो परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा में आने की संभावना बनी हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। वसन व्यसन, वसन व्यसन शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी शब्द युग्मों में। शब्द युग्म मतलब शब्द के जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, दो शब्द शब्द युग्म हो गए। सूक्ष्म अंतर, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों एक ही जैसे होते हैं लेकिन तनिक अंतर होता है इसके अर्थ में। तो चलिए देखते हैं। वसन व्यसन, वसन व्यसन का सही अर्थ है व्योस और व्याकुल, विस्तार और अवधि, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन। वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत। तो इसका उत्तर है ग, वसन व्यसन वस्त्र और आदत, याद रखिएगा। अगला, श्रवण श्रमण पाप और पुण्य, सावन और परिश्रमी, कान और भिक्षु, सज्जन और दुर्जन। श्रवण का अर्थ कान और श्रवण का अर्थ भिक्षु। तो इसका इस शब्द युग्म का सही उत्तर है ग, श्रवण कान और श्रवण भिक्षु। अगला देखिए, प्रसाद प्रासाद, कृपा और महल, इमारत और कुटीर, माहौल और कृपा, भवन और वाटिका। प्रसाद का अर्थ कृपा और प्रसाद का अर्थ महल। इसका सही उत्तर है क। अगला देखिए, गृह ग्रह, घर और नक्षत्र, घर और गृहस्थी, गांव और घर, घर और गांव। क्या, गृह का अर्थ घर और ग्रह का अर्थ नक्षत्र। तो सही उत्तर है क। अगला देखिए, अनल अनिल, वायु और अग्नि, जल और हवा, अग्नि और वायु, पानी और आग। अनल का अर्थ अग्नि और अनिल का अर्थ वायु। सही उत्तर है ग, अग्नि और वायु। अगला देखिए, पुरुष और परुष, वीर और कायर, कोमल और कठोर, व्यक्ति और कठोर, दुखी और कृपण। पुरुष का अर्थ व्यक्ति और परुष का अर्थ कठोर। तो सही है ग। अगला देखिए, बात और वात, वायु और विकार, विचार और बीमार, रोग और दवा, बातें और हवा। बात, इस बात का अर्थ बातें और वात का अर्थ होता है हवा। तो सही है बात और वात, बातें और हवा। अगला देखिए, भवन भुवन, सृष्टि और घर, जीव और परमात्मा, मकान और संसार, अपना और पराया। भवन का अर्थ क्या होता है, मकान, और भुवन का अर्थ सृष्टि या संसार। तो भवन भुवन का सही अर्थ है मकान और संसार। अगला देखिए, अंश और अंश, कंधा और हिस्सा, आँख और आलम्बन, अंकुश और वस्त्र, संपूर्ण और अपूर्ण। अंश का अर्थ होता है कंधा और इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा, याद रखिएगा। अंश अंश, कंधा और हिस्सा, देख लीजिए। अगला, कपीस कपीस, मटमैला और अंगद, बाली और सुग्रीव, मटमैला और सुग्रीव, सुग्रीव और काला। कपीस, इस कपीस का अर्थ मटमैला, और कपीस, इस कपीस का अर्थ सुग्रीव, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कपीस कपीस, मटमैला और सुग्रीव। अगला, नीर नीर, नारी और जल, जल और नारी, जल और घोंसला, घोंसला और जल। नीर का अर्थ जल और नीर का अर्थ घोंसला, यानी नीर नीर, जल और घोंसला, सही है। अगला देखिए, अभिराम अभिराम, कई बार परीक्षा में आता है। लगातार और रुचिकर, सुंदर और आकर्षक, अनवरत और आकर्षक, बिना रुके और सुंदर। अभिराम का मतलब बिना रुके, बिना विराम का, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो सही है घ, अभिराम अभिराम, बिना रुके और सुंदर, याद रखिएगा। अगला देखिए, स्वर्ण सवर्ण, सोना और चांदी, सोना और अच्छा, सुनार और सोना, सोना और जाति। इस सवर्ण का अर्थ होता है सोना, और सवर्ण का अर्थ एक प्रकार की जाति, स्वर्ण और सवर्ण, सोना और जाति। कुल कुल, इस कुल का अर्थ
किनारा, और इस कुल का अर्थ होता है वंश, याद रखिएगा कुल कुल किनारा और वंश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कटिबंध कटिबद्ध, तैयार और बावजूद, संबंध और परिचय, उद्यत और उद्धत, करधनी और तैयार। कटिबंध का मतलब कटिबंध, कमर में बांधने वाली करधनी, और कटिबद्ध का मतलब तैयार। सही उत्तर होगा कटिबंध और कटिबद्ध का करधनी और तैयार, इसका सही अर्थ है। अगला देखिए, कंकाल और कंगाल, मृत शरीर और पक्षी, अस्थि पंजर और निर्धन, ढांचा और कमी, काल और कंगन। कंकाल का अर्थ अस्थि पंजर, जो अस्थियों का हड्डियों का ढांचा होता है। निर्धन यानी जिसके पास कोई धन न हो, कंगाल। कंकाल और कंगाल का अस्थि और निर्धन सही अर्थ है। अगला देखिए, अन्न और अन्य, ये भी महत्वपूर्ण है। गेहूँ और वह, बेकार और दूसरा, भोजन और अनाज, अनाज और दूसरा। अन्न का अर्थ अनाज और अन्य का अर्थ दूसरा। अन्न और अन्य, अनाज और दूसरा। अगला, धरा धारा, धरा धारा, पृथ्वी और प्रवाह, आकाश और पाताल, पृथ्वी और आकाश, सूर्य और चंद्रमा। धरा का अर्थ पृथ्वी और धारा का अर्थ प्रवाह, जैसे जल धारा, जल की प्रवाह, तो सही अर्थ है पृथ्वी और प्रवाह, याद रखिएगा। अगला देखिए, अंश अंशु, भाग और किरण, भाग और सूर्य, भाग और वरुण, सूर्य और भाग। अंश का अर्थ भाग होता है और अंशु का अर्थ किरण, सही अर्थ है भाग और किरण। अगला देखिए, नीरज नीरज, कमल और बादल, सोना और अच्छा, फूल और फल, नदी और नाला। नीरज का अर्थ कमल और नीरज का अर्थ बादल, सही अर्थ है कमल और बादल। अगला देखिए, अपेक्षा उपेक्षा, तुलना और निराधार, तुलना और अवहेलना, चाह और बुराई, तुलना और बुराई। अपेक्षा का अर्थ तुलना और उपेक्षा का अर्थ अवहेलना, अपेक्षा उपेक्षा, तुलना और अवहेलना सही अर्थ है। अगला देखिए, द्रव द्रव्य, धन और धान्य, तरल पदार्थ और धन, दान और दानी, दवा और दवा। द्रव का मतलब तरल पदार्थ और द्रव्य का मतलब धन मुद्रा, तो सही उत्तर है तरल पदार्थ और धन। अगला देखिए, विहग विहंग, पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी। विहग का अर्थ होता है पक्षी और विहंग का अर्थ होता है तोता, तो सही अर्थ है विहग विहंग का पक्षी और तोता। अगला क्वेश्चन, क्षति क्षिति, आकाश और पृथ्वी, हानि और लाभ, हानि और पृथ्वी, हानि और आकाश। क्षति का अर्थ नुकसान हानि और क्षति का अर्थ पृथ्वी, तो इसका ग है हानि और पृथ्वी सही अर्थ। अगला देखिए, आपाद आपाद, आपात और आपाद, विपदा और संपदा, सुख और दुख, संकट और पैरतक, संकट और निष्कंटक। आपात मतलब संकट, आपाद मतलब आपाद, पाद पूरे पैर तक, तो सही अर्थ है संकट और पैर तक। अगला देखिए, छात्र छात्र, छात्र और छात्र, छत्रीधारी और विद्यार्थी, क्षत्रिय और विद्यार्थी, विद्यार्थी और क्षत्रियोचित, विद्यार्थी और छाता। इस छात्र का अर्थ विद्यार्थी और इस छात्र का अर्थ होता है क्षत्रियोचित, जो छत्री के लिए उचित है वो क्या कहलाएगा, छात्र, याद रखिएगा। अगला देखिए, अंबुज अंबुद, बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। अंबुज का अर्थ कमल और अंबुद का अर्थ बादल, यानी कमल और बादल, इसका सही अर्थ है। अगला, कपट कपाट, कप और प्लेट, छल और दरवाज़ा, पर्दा और किवाड़, यहाँ सॉरी पर्दा और किवाड़, किवाड़ और रोशनदान। कपट का अर्थ क्या होता है, छल धोखा, और कपाट का अर्थ दरवाज़ा, सही अर्थ है छल और दरवाज़ा, कपट कपाट का छल और दरवाज़ा। अगला देखिए, सूत सूत, पुत्र और सारथी, धागा और सुरमा, पुत्र और पिता, पिता और पुत्र, तो इसका सही अर्थ है इस सूत का अर्थ पुत्र और इस सूत का अर्थ सारथी, पुत्र और सारथी, याद रखिएगा। अगला देखिए, कृषि किसान और खेती, दुबला और खेती, दुबला और खाद, दुबला पतला और किसान, सही अर्थ क्या है इस शब्द युग्मा का, कृष का अर्थ होता है दुबला, जैसे कृष्ण काया, दुबले शरीर वाला, और कृषि का अर्थ खेती, तो सही अर्थ है कृष कृषि का दुबला और खेती। अगला देखिए, प्रणय परिणय, प्रणाम और परिणाम, प्रेम और प्रलाप, परिणाम और प्रणाम, प्रेम और विवाह, सॉरी विवाह,
सही अर्थ क्या है, कभी कभी बोलने में ऐसा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रणय परिणय, प्रणाम और परिणाम, प्रेम और प्रलाप, परिणाम और प्रणाम, प्रेम और विवाह। प्रणय का अर्थ है प्रेम और परिणय का अर्थ होता है विवाह। तो सही उत्तर है घ, प्रेम और विवाह। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।